इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। अब क्या करूं मैं? तुम्हारे लिए क्या है मेरे पास? ये क्या कर रहे हैं? मुझे शर्म आ रही है। नमस्कार जी। नमस्कार भैया, रिचार्ज करवाना कोई स्कीम है? बिल्कुल जी बिल्कुल, 120 रुपए में 120 रुपए का रिचार्ज है, फुल टॉक टाइम है, वो कर दूं? कितने तक का करवाना? तो यही कर दीजिए आप, 120 में 120 तो मिलेगा, फुल टॉक टाइम है ना? जी जी, ये कर दीजिए आप। ठीक है जी, वो कर देता हूँ। आप नंबर बता दीजिए। 97285 भैया, 120 रुपए। हाँ जी, मैंने अभी रिचार्ज करवाया था यहाँ से, मेरा फोन आपके पास रह गया। नहीं भैया, आपने पैसे दिए थे, आप जेब चेक करो ना, कहाँ रखा था आपने? यहाँ तो सिर्फ आपने पैसे दिए थे। अभी एक घंटे पहले की बात है भैया, मैं रिचार्ज करवा के लेके गया था 120 का। नहीं सर, आपने तो पैसे दिए हैं, फोन तो आपका। नहीं भैया, मैं इतने दूर से वापस आया हूँ, मैं वापस तुरंत घर से वापस हो लिया। नहीं, पैसे दिए थे, चेक करो कहाँ थे आप, चेक करो ना, जेब में चेक करो ना अपने। भैया मैं सब जगह चेक करके आया हूँ। भैया आप मेरी बात को समझो, वो मेरा पर्सनल मैटर है, आप मेरी बात को नहीं समझ रहे। आपको पता है उसके अंदर मेरी जिंदगी है। अगर आप ऐसे करो ना, सिम ब्लॉक करवा दो। आपको नहीं पता उसमें क्या है, मेरी जिंदगी है, मेरी जान है, बहुत कुछ है उसके अंदर। जो मेरा मेमोरी कार्ड है वो मुझे बहुत जरूरी है। किसी का फोन गुम होता है तो अपने मोबाइल सिम बंद करवाता है, ब्लॉक करवाता है और अपने नंबरों की चिंता करता है। आप उसमें ऐसा क्या, तो आप मेमोरी कार्ड चिल्ला रहे हो, मेमोरी कार्ड में दे देता हूँ, क्या था उसमें? अगर मुझे वो मेमोरी कार्ड नहीं मिला तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक ले रहूंगा। आप प्लीज मेरे को बताओगे मेमोरी कार्ड में क्या था? मेमोरी कार्ड में आपकी जिंदगी थी, ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप, क्या था उसमें? सच बताइए, कारण क्या आपका? आप ऐसे करो ना, सिम ब्लॉक करवा दो, आप सिम ब्लॉक करवा दो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फोन गुम हो जाते हैं, हमारे भी काफी बार हुए, आप सिम ब्लॉक करवा दो अगर आप नहीं चाहते। सर आप उसमें आखिर था क्या, बताओ ना आखिर था क्या उसमें आपका? भैया बताने के लायक कुछ है नहीं तो मेरे को इधर आके बताइए सर, क्या प्रॉब्लम थी? भैया 2 दिन पहले मेरी शादी हुई थी। जी जी, और मैंने इंजॉय के लिए वैसे मस्ती के अंदर आपकी भाभी की और सुभागरात की वीडियो बना ली। सुभागरात की वीडियो, उसके अंदर वो वीडियोस है। अगर किसी के हाथ में मेमोरी कार्ड लग गया वो कुछ भी कर सकता है उस मेमोरी कार्ड के साथ, उसके MMS बना के डाल सकता है। भैया बचा ले मुझे ना, बदनाम हो जाऊंगा, किसी के लायक नहीं रहूंगा। आप इतने पढ़े लिखे हो कि ऐसा कैसे कर सकते हो? वाह रे वाह मेरे इंडियन, ऐसा डिजिटल इंडिया आ गया, आप कर कैसे सकते हैं ऐसा? आजकल ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिल रही है, कुछ तो जानबूझकर बनाते हैं लोग, आपने खुद बना डाली, आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, आपकी फैमिली पे क्या असर पड़ेगा, अगर किसी के हाथ लगी तो वो क्या सोचेंगे? ऐसा कैसे कर सकते हो सर, पढ़े लिखे हो कि नहीं? ऐसा आप सोचो, बता करो। सिर्फ घर पे गया था भैया, यहाँ से सीधा घर पे गए थे। बाइक पे थे, गाड़ी पे थे? बाइक पे था भैया, मैं बाइक पे थे।
मोबाइल आपने कॉल किया, ट्राई करिया? भैया स्विच ऑफ आता है। एक डेढ़ घंटे की बात हो गई, घर में पता किया? कहीं कहीं आप लेटे थे, कहीं बैठे थे, वहां तो ट्राई किया होगा? भैया सब जगह पता किया। एक बार घर फोन करके देखो, कॉल करो घर पे और उनको बोलो ट्राई करें। आपने अपने रूम में ट्राई किया, इधर उधर रूम में देखो, आपके पिताजी माताजी वाले रूम में ऊपर नीचे कहीं तो देखो, बच्चों से पूछो। ये लो कॉल करके बता दो। हेलो, अरे यार पिंकी, मैंने दुकानदार से भी पता किया पर कहीं पर भी पता नहीं चला। गौर से ढूंढो यार उसको। पिंकी यार वो मिला क्या? थैंक गॉड यार, क्या बात है, क्या बात है, आपने बर्बाद होने से बचा लिया मुझे। थैंक यू सर, मिल गया सर। आगे से क्या बात है सर, आपने आगे से सर ध्यान रखना। हाँ सर सॉरी, बिल्कुल आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। क्योंकि यह बात एक गहराई से सोचने और समझने की है। आज समाज में काफी औरतें इस MMS के चक्कर में पीड़ित हैं और अपनी जान गंवा रही हैं। इसका कारण है कुछ तो औरतें बहनें अपने हाथ से ऐसा गलत कदम उठाती हैं व किसी के बहकावे में आती हैं, और काफ़ी लड़के जो ऐसा गलत कार्य करते हैं, लुक छिप कर ऐसी वीडियो बनाते हैं। आज समाज में ऐसी काफ़ी बहनों को जान गंवानी पड़ी है और ये एक अपराध है किसी की वीडियो बनाना व इधर उधर रिलीज करना, यूट्यूब पे डालना, और सबसे बड़ी मूर्खता है देखने वालों की। ये अपराध है, ये ना करें, ये आपकी माँ बहन के साथ भी हो सकता है। हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि आप इस प्रकार की गलती ना करें और दूसरों को भी यह गलती करने से रोकें। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।